नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान। दुनिया भर में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहां छोटी छोटी जमीनों पर बड़ी बड़ी राजनीति होती है। कभी कभी तो विवाद युद्ध में भी बदल जाते हैं। ये विवाद बार बार दम तोड़ते हैं और बार बार जी भी उठते हैं। भारत में उठ रहा कच्छ तीहू द्वीप का मामला भी कुछ ऐसा ही है। लोकसभा चुनावों से पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस मुद्दे को उठाया है। ये सब कुछ शुरू हुआ रविवार को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई के हवाले से रिपोर्ट छापी जिसमें यह दावा किया गया कि 1974 में भारत सरकार ने ये द्वीप श्रीलंका के हवाले कर दिया। क्या है इस कच्छ तीहू द्वीप का इतिहास और क्या है राजनीति, और अंत तक जुड़े रहिएगा। हम बताएंगे कि इस मौजूदा सरकार ने क्या बांग्लादेश के केस में भी ऐसा कुछ किया है। कच्छ तीहू ट्वापू भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट में पड़ता है। स्ट्रेट का मतलब एक ऐसा मार्ग जो दो समुद्रों को जोड़ता हो। ये जगह भारत और श्रीलंका दोनों के ही करीब होने की वजह से विवाद का कारण बनी हुई है। ये भारत की सीमा से 33 किलोमीटर दूर है और श्रीलंका के डेल्फ्ट आइलैंड से 24 किलोमीटर दूर। इस जगह पर कोई नहीं रहता क्योंकि यहाँ पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं है। चट्टानों की वजह से यहाँ जहाज भी नहीं जा सकते। सिर्फ एक ही इमारत है और वो है 20वीं सदी में बना सेंट एंथनी चर्च। हर साल यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है। भारत और श्रीलंका के ईसाई पुजारी यहाँ पूजा करवाते हैं। दोनों ही तरफ के श्रद्धालु, खासकर मछुआरे, इस त्योहार के लिए जाते हैं। तो फिर ये दोनों देशों के बीच विवाद का कारण क्यों है? ऐसे रिकॉर्ड हैं जो बताते हैं कि ये द्वीप कभी रामनाथ जमींदारी का हिस्सा था, लेकिन श्रीलंका ने भी इस पर दावा किया था। फिर जब दोनों ही देश ब्रिटिश राज के अधीन थे तो दोनों इसका प्रशासन संयुक्त रूप से चलाते थे। 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने मछली पकड़ने की सीमा निर्धारित करने के लिए कच्छ तीहू पर दावा किया। एक सर्वे में कच्छ तीहू को श्रीलंका में रखा गया, लेकिन भारत के एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने इसे चुनौती दी थी कि ये तो रामनाथ जमींदारी का हिस्सा है। ये विवाद तब पूरी तरह नहीं सुलझ पाया। 1970 के दशक में इस विवाद ने फिर तूल पकड़ा। 1974 और 1976 में दोनों देशों के बीच दो समझौते हुए। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडारनायके के बीच समझौता हुआ कि कच्छ तीहू श्रीलंका का हिस्सा है। उस समय इंदिरा गांधी ने सोचा कि इस द्वीप की कोई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है और इस द्वीप पर भारत का दावा खत्म करने से पड़ोसी देश के साथ संबंध और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन 1976 के समझौते के बाद तय हुआ कि दोनों देशों के मछुआरे एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछली नहीं पकड़ेंगे। कच्छ तीहू दोनों देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के किनारे पर था, इसलिए मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकार का मामला सुलझ नहीं पाया। वैसे समझौते के बाद भी भारतीय मछुआरों के लिए हालात इतने मुश्किल नहीं थे। वे दूसरी तरफ चले भी जाते थे, वे सेंट एंथनी चर्च के सालाना उत्सव में भी बिना रोक टोक के शामिल होते थे। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलती चली गई। श्रीलंका के मछुआरे भी ये मुद्दा उठाने लगे कि भारतीय मछुआरों के आने से उनकी रोजी रोटी पर फर्क पड़ता है। 2009 में जब श्रीलंका का गृह युद्ध खत्म हुआ तो उसने भारतीय मछुआरों पर कड़ी निगाह रखनी शुरू कर दी। अब हालात ये हैं कि बार बार श्रीलंकाई नौसेना भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करती रहती है। जब भी ऐसे हालात होते हैं तो कच्छ तीहू के लिए मांग फिर से बढ़ जाती है, और ये मांग लगातार तमिलनाडु के नेता उठाते आए हैं। जब इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के साथ समझौता किया तब भी इस समझौते के खिलाफ आवाज उठी। 1974 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। उन्होंने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए लिखा था कि कच्छ तीहू पर भारत का दावा होना चाहिए। इसके बाद 1991 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने भी केंद्र से बात की। विधानसभा में प्रस्ताव भी पास किया कि तमिलनाडु कच्छ तीहू को वापस लेकर रहेगा। 2001 में जयललिता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की और उनसे तमिलनाडु के मछुआरों के लिए इस द्वीप को स्थायी लीज पर लेने के लिए कहा। जयललिता ने इन कोशिशों को कई साल तक जारी रखा। 2008 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते को नल एंड वॉइड यानी अमान्य घोषित किया जाए। 2013 में करुणानिधि ने उन समझौतों को अमान्य घोषित करने के लिए एक अलग से याचिका दायर की। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई में एक कार्यक्रम में मौजूद थे, उनके सामने ही मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस संबंध में प्रधानमंत्री से अपील की थी कि कच्छ तीहू को वापस लेने का ये सही समय है। जुलाई 2023 में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत आए थे, तब भी स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उनसे कच्छ तीहू के बारे में बात करें। लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि डीएमके और कांग्रेस पार्टी तो इस मुद्दे को नहीं उठा रही, लेकिन मोदी उठा रहे हैं।
हालांकि इस मामले पर जो करना है वो तो केंद्र सरकार ही कर सकती है। भाजपा के तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा भी था कि पीएम मोदी कच्चीवों को वापस हासिल कर सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि उन्होंने ही मंत्रालय में ये आरटीआई लगाई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री से पूछा गया कि क्या कच्चीवों को वापस लिया जाएगा, तो उन्होंने उस पर कुछ कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बिल्कुल, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहां तमिलनाडु के नेताओं ने ही याचिका दायर की थी। 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, तो तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ये द्वीप 1974 में एक समझौते के तहत श्रीलंका के पास चला गया था, आज इसे वापस कैसे लिया जा सकता है, यदि आप इसे वापस लेना चाहते हैं तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इस पूरे विवाद पर कहा है कि इंदिरा गांधी ने कच्चीवों को श्रीलंका का हिस्सा इसलिए माना क्योंकि 6 लाख तमिल लोग श्रीलंका में पीड़ित थे, वे भारत में रिफ्यूजी के तौर पर आना चाहते थे और इस समझौते की वजह से वे भारत आ पाए। वैसे ऐसा ही कुछ 2015 के भारत बांग्लादेश समझौते में भी हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है। विवाद तब शुरू हुआ जब सीमा पर ऐसे एनक्लेव बन गए जो भारत के थे लेकिन बांग्लादेश से घिरे थे, और जो बांग्लादेश में थे वे भारत से घिरे थे। लगभग 50,000 लोग बिना किसी देश के थे और इसलिए कोई बुनियादी सुविधा उनके पास नहीं थी। ये समस्या सालों से चली आ रही थी। 2015 में मोदी सरकार ने अपनी नेबर फर्स्ट पॉलिसी पर चलते हुए बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करने चाहे। उन्होंने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 17,161 एकड़ भारतीय क्षेत्र पर अधिकार छोड़ दिया गया और बदले में 7,110 एकड़ पर अधिकार भारत को मिला। भारत का भूमि क्षेत्र 10,051 एकड़ कम हो गया। भारतीय क्षेत्र में 51 बांग्लादेश एनक्लेव के लगभग 14,854 निवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। फिलहाल देखा जाए तो मुख्य सवाल है तमिलनाडु और श्रीलंका के मछुआरों का, उनकी रोजी रोटी का, उनके अधिकार का। क्या आज ऐसा समझौता होना मुमकिन है कि तमिलनाडु के मछुआरे वहां मछली पकड़ने जा सकें और उनकी सुरक्षा पर कोई खतरा ना हो? कुछ विवाद रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत और श्रीलंका मित्र देश हैं। हाल ही में श्रीलंका पर जब आर्थिक संकट आया था तो भारत ने काफी मदद भी की थी। तो क्या भारत सरकार अब श्रीलंका से भारतीय मछुआरों के अधिकार के लिए निगोशिएट नहीं कर सकती? क्या इस बार कोई हल निकलेगा या ये मुद्दा फिर से सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित होकर रह जाएगा?